आज का दिन हमारे हमारे परिवार के लिए बहुत अहम दिन है और हम चाहते हैं कि आज इस अहम दिन में और जो अहम फैसला लेंगे उसमें तुम पूरी तरह हमारा साथ दो। आनंद जी, मेरा हाथ थाम कर अब जिस भी दिशा की ओर मुझे ले जाएंगे बिना कोई सवाल किए आपके साथ उस दिशा की ओर बढ़ जाऊंगी। कहाँ चली गई होगी मेरी लवली? हाँ दीदी, दीदी उसे ले आइए, मेरे पास ले आइए। भाभी आप मत रोइए, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, लवली आ जाएगी। देखो तो कैसे दिन आ गए हैं, एक बाहर वाली लड़की के लिए घर की ही बेटी घर छोड़कर चली गई। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक ना एक दिन हम सबकी बोरियां बिस्तरा बांधने की बारी आ जाएगी, घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे हम लोग। आंटी जी प्लीज आप चुप हो जाइए, लवली दीदी मिल जाएंगी। लवली घर छोड़कर चली गई, ये लेटर लिख कर गई है हम सब के नाम। अब मैं रौनक और मुस्कान की जिंदगी में एक रहन बनकर नहीं रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। अपनी बाकी जिंदगी अपने परिवार से दूर विधवा आश्रम में बिताने हैं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। लवली ज्यादा दूर नहीं गई होंगे, चलिए हम उन्हें मना कर वापस ले आते हैं। चलिए माँ। कहाँ जा रही हो अकेले अकेले मैडम? आज तो हमें भी साथ में लेके चलो। आप ठीक तो है ना देवर जी? मेरी छोड़िए भाभी, आप ये बताइए आपको ठीक है ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू देवर जी, आपने सही समय पर आके मुझे गुंडों से बचा लिया, वरना पता नहीं आज वो मेरे साथ। फोन करी भाभी, तुम दुबा कर भाग गए वो लोग। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सूटकेस लेके? ये कैसी हालत बना दी आपने मेरी भाभी की? दीपेंद्र भैया के जाने के बाद क्या कोई नहीं है आपके घर में जो मेरी भाभी का ख्याल रख सके? देखो सुरेंद्र, सारी बातें हम घर में बैठ के शांति से करेंगे, चलो। नहीं, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी, मैं आप सबसे दूर चली जाना चाहती हूँ। अभी मैं आपको ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा और आपका ख्याल रखूंगा। लवली दी, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे, प्लीज प्लीज घर वापस चलिए, जो भी भूल हुई उसे माफ कर दीजिए हमें, प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारी हमारी शादी है आज, और एक एक भाई के गठबंधन के लिए उसकी बड़ी बहन का होना, उसकी बहन का होना बहुत जरूरी है, आप तो जानती हैं। उसके बिना हम हमारी खुशियां अधूरी हो जाएंगी। देखिए जो भी बातें हैं आप घर में बैठ के आराम से बात कीजिए, माँ समझाना तुम्हें। चल ना बेटा, क्या जिद है ये, चल ना, तो अपनी माँ की बात भी नहीं मानेगी। प्लीज लवली दी, सबकी खुशी के लिए घर वापस चलिए।
अब तो चलिए प्लीज। आपको पता है हम सब कितना घबरा गए थे, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम सब क्या करते थे? आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी, कभी घर छोड़ के नहीं जाएगी। लवली, हम समझ सकते हैं कि आपके दिल को ठेस पहुंची है, जो कुछ भी हुआ है नहीं होना चाहिए था। हम सारी बातों को अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसीलिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इससे पहले कि मुस्कान यहाँ है, लवली दीप ऐसी नहीं थी, वो तो सबकी कितनी परवाह करती थी, कितना प्यार था उन्हें इस परिवार से और खास करके रौनक जी से। न जाने वो इतना कैसे बदल गई कि जिन हाथों से वो अपने भाई को राखी बांधती थी, आज उन्हीं हाथों से उसकी खुशियों का गला घोटने पर तुली है वो। अब अगर लवली भी घर वापस आई है तो जरूर कुछ बड़ा करने की सोच से ही आई होंगी वो। मुझे सावधान रहना होगा। देखिए लवली जी, हम समझते हैं कि मुस्कान एक नाचने वाले घराने से थी, उसका अतीत उठे का अतीत हम अब सब समझते हैं, कि ये बात सब जानते हैं। वो अतीत था, लेकिन जो वर्तमान है वो सच ये है कि वो अब इस घर का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, सिंह परिवार का हिस्सा है। और सब लोग ये बात जानते हैं कि हमने और मुस्कान ने क्या सब सहा है, कितने ही दिनों बाद हमारे जीवन में शांति आई है, खुशियां आई है। प्लीज सब कुछ भुला के हम रौनक सिंह मुस्कान दोनों मिलकर फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक गृहस्थी बसाना चाहते हैं। हम ये भी समझते हैं कि आप सबके पास मुस्कान को ना पसंद करने की कोई ना कोई वजह है, हम समझते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग सब उसे वो इज्जत दें, इसलिए माँ, हमारे भाग, बुआ जी, बंटी, डॉली, सबके सामने हम रिक्वेस्ट आ रहे हैं, घर की बहू होने की इज्जत दीजिए, दिल से अपना लीजिए उसे। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है, ये हमारा फैसला है कि आज हम जब मुस्कान के साथ साथ वचन लेंगे तो हमारे साथ सिर्फ हम दोनों ही वचन नहीं लेंगे, हमारे साथ ये सब पूरा परिवार सात वचनों को लेगा। यह हमारा फैसला है और सबको हमारी बात माननी होगी। ये तू क्या बोल रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हम लोग तुम दोनों के साथ सात वचन कैसे ले सकते हैं? आपको किसी तरह का कोई पेन हो रहा है, कोई कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत? इट्स अ गुड साइन, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है। आज शाम को हम आपकी पट्टियां खोलेंगे, उसके बाद फाइनली आप अपने आप को देख पाएंगे। पिछले दिनों जो हमने सर्जरीज की है वो कितने परसेंट सक्सेसफुल हुई है, एक बार पट्टी खुल जाए तो पता चल जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है रौनक बेटा कि ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऐसा ये रस्म और रिवाज के हिसाब से गलत होगा। रस्म और रिवाज नहीं है बुआ जी, ये हमारे बीच और मुस्कान के बीच एक पवित्र बंधन है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये सात वचन जो लेंगे हम अग्नि के सामने, अग्नि फेरे जो होंगे हमारे, सिर्फ हम ही नहीं लेंगे, हम उसका नहीं बल्कि पूरा परिवार हमारे साथ देगा, सबके साथ हम लेंगे, सब इसका हिस्सा बनेंगे। आप भी लवली दी,
अब अगर ये रिश्ता बंधेगा तो पूरे परिवार के साथ बंधेगा, वरना नहीं बंधेगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हम रौनक सिंह, आप लोग जानते हैं ये हमारा वादा है, हम मंडप से मुस्कान का हाथ पकड़ के निकल जाएंगे घर छोड़कर। उसके बाद आप लोग जो करना है कीजिए, आप लोग अपनी दुनिया में खुश, हम अपनी दुनिया में खुश, अपनी घर से आप बसा लेंगे। ठीक है, आप लोगों के चेहरे को देखकर, आप लोग की चुप्पी को देखकर हमें समझ में आ गया है। ठीक है, आपका जवाब नहीं गया, लेकिन फिर भी समझ देते हैं आपको। हीरो तक जो सोचना है, जो डिसाइड करना है, अच्छे से डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद मौका नहीं देंगे। बस पूरा फाइनल अभी मौका दे रहे हैं आपको। रौनक भैया जो चाहते हैं, उन्होंने जो डिमांड रखी है, वो हम कैसे पूरी करेंगे? भाभी, अभी आप ही बताओ, क्या हमें मुस्कान के साथ शादी के 7 वचन लेने पड़ेंगे? थैंक यू सुरेंद्र, आज तुमने गुंडों को भेज के ना बहुत अच्छा नाटक किया। उसकी वजह से हमारे इस घर में री एंट्री हुई। ये गोली मैंने जो इस सूप में मिलाई है ना, अब तुम इसका असर देखना। देखना जो 7 वजन रौनक हमसे दिलवाना चाहता है, कैसे पूरे होंगे। क्या घूर रहे हो? ये सोच रहे थे कि जो बात आपने 7 वचन वाली पूरे परिवार के सामने रखी है, वो बात मुस्कान भाभी को नहीं बता सकते। भैया जी, हमारे हिसाब से भाभी को ये बात पता होनी चाहिए। देखो बेटा हनुमान, बात बहुत सिंपल है। अगर मुस्कान को हमारी डिमांड के बारे में पता लगा ना, तो डिमांड को पूरी नहीं होने देगी। सबसे पहले वो परिवार के बारे में सोचेगी, या किसी को कोई प्रकार का वचन नहीं लेने देगी। सबके हित के बारे में पहले सोचेगी, बाद में अपने बारे में सोचेगी। हम मुस्कान को कुछ नहीं बता सकते। रौनक जी, आप यहाँ? माँ ने कहा था शादी से पहले दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देखते। मुस्कान, आज
आज का दिन हमारे हमारे परिवार के लिए बहुत अहम दिन है। और हम चाहते हैं कि आज इस अहम दिन में हम जो अहम फैसला लेंगे उसमें तुम पूरी तरह हमारा साथ दो। रौनक जी, मेरा हाथ थाम कर अब जिस भी दिशा की ओर मुझे ले जाएंगे बिना कोई सवाल किए आपके साथ उस दिशा की ओर बढ़ जाऊंगी। आंख बंद करके विश्वास करती हूँ आप पर। मुझे पता है आप जो फैसला लेंगे बिल्कुल सही लेंगे। लवली बेटा, लवली उठ जा बेटा, चल देर हो रही है, तैयार होना है ना। देखिए आप लोग का जो भी फैसला आप हमें अभी बता दीजिए, हम फिर तक हम इंतजार नहीं कर सकते। जो भी है मन में बता दीजिए, जो भी कहना है कह दीजिए। मैंने फैसला ले लिया है, मैं वचन देने के लिए तैयार हूँ। और भैया मैं भी तैयार हूँ। और भैया जी आपको तो हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, हम तो हमेशा से आपके और भाभी के साथ थे और रहेंगे। मैं और बंटी दोनों वचन देने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। आप लोग कभी समझेंगे नहीं कि हमारे मन को कितनी शांति मिली है, तसल्ली मिली है कि आज भी हमारा परिवार हमारे साथ है। कोटि कोटि धन्यवाद। अब बस लवली दी जल्दी से हाँ कह दे। लवली दी आप मुंह फेर के क्यों सोई हुई हैं? जल्दी से हामी भर दीजिए ना, बस आपकी हाँ का इंतजार है। कुछ तो कहिए प्लीज लवली दी। लवली दी